सो हेलो सर, कैसे हो आप सब लोग। सो आज की वीडियो में जो है कंपैरिजन करने वाले हैं हीरो एक्सट्रीम 160R का होंडा की एक्सप्लेट BS6 के साथ में, और देखने वाले कौन सी बाइक जो है वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी आपको लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। सो इस आज की वीडियो में जो है इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लुक्स के बारे में। लुक्स की बात होती है, दोनों ही बाइक से जो लुक्स है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है। यहाँ पे जो है दोनों ही जो है काफ़ी फ्यूचर को देखते हुए मतलब डिज़ाइन की गई है, और देखने में जो है दोनों का लुक्स काफ़ी अच्छा निकल के आता है। सो इस यहाँ पे जो है लुक्स आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं अपनी बताऊं तो यार मेरे को जो है दोनों ही बाइक्स का लुक्स काफी अच्छा लगता है। बात करें भी इंजन के बारे में, तो यहाँ पे जो है आपको एक्सट्रीम 160R में मिलता है 163 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक FI BS6 एयर कूल्ड इंजन, जो कि आपको लगभग सेम सा ही एक्सप्लेन में भी मिल जाता है। मैं आपको बता दूं पावर के बारे में, पावर जो है एक्सट्रीम में आपको मिलती है 15 bhp की, एंड एक्सप्लेन में आपको मिलती है 13.7 bhp की, जो कि थोड़ी सी कम है एक्सट्रीम से। सो इस बात करूं टॉर्क के बारे में, तो एक्सट्रीम जो है आपको देती है 14 Nm का टॉर्क, एक्सप्लेन में जो है आपको मिल जाता है 14.7 Nm का। सो यहाँ पे जो है गाइस आपको इनिशियल पिकअप जो है आपको एक्सप्लेन में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पावर जो टॉप एंड जो है गाइस आपको एक्सट्रीम में ही ज्यादा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब परफॉर्मेंस में ज्यादा भी आपको मतलब डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है यदि आप टॉप स्पीड के शौकीन हो तो आप जो है एक्सट्रीम के लिए जा सकते हो। बाकी माइलेज जो है बाइक दोनों ही बाइक जो है आपको लगभग दे देगी 40 से 45 की। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूं, दोनों ही बाइक्स में जो है आपको ड्यूअल डिस्क मिल जाते हैं, फ्रंट एंड रियर में जो है आपको डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, एंड जो है गाइस आपको इसमें सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है दोनों ही बाइक्स में। दोनों ही बाइक्स में गाइस आपको जो है फ्रंट में LED हेडलाइट जो कि रोबोटिक स्टाइल की है, एंड यहाँ पे जो है देखने में काफी अच्छी लगती है हेडलाइट्स। दोनों में ही जो है गाइस आपको DRLs भी मिल जाती है, बट यहाँ पे जो है एक्सट्रीम में आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं जो कि आपको एक्सप्लेन में नहीं मिलते। एक्सप्लेन में जो है गाइस आपको हेलोजन इंडिकेटर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे जो है एक प्लस पॉइंट ले जाती है एक्सट्रीम। बाकी गाइस आपको टेल लाइट दोनों में ही LED मिल जाती है। टेल लाइट भी जो है गाइस आपको एक्सट्रीम में स्मोकी कलर में देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफी शानदार लगती है। ऐसा लगता है जैसे तो अलग से मॉडिफिकेशन करवा रखी हो, बट यहाँ पे जो है कंपनी ही ये सब आपको देती है। सो यहाँ पे जो है काफी अच्छी लगती है इसकी टेल लाइट देखने में, थोड़ी सी जो है स्पोर्टी फील देती है। तो इस बात को इनके मीटर कंसोल के बारे में, दोनों ही बाइक्स में जो है गाइस आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो है जो गियर इंडिकेटर का जो सबसे बड़ा फीचर होता है इन बाइक्स के लिए, वो जो है गाइस आपको एक्सप्लेन में देखने को मिलेगा, आपको जो है एक्सट्रीम में नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दोनों ही बाइक्स में देखने को मिल जाएगी, जैसे साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर वगैरह, टाइम वगैरह, एंड जो है RPM मीटर वगैरह और डिजिटल मीटर वगैरह, ये सब जो है आपको डिजिटली देखने को मिलेंगे दोनों ही बाइक्स में। बाकी जो है गाइस आपको सस्पेंशन दोनों ही बाइक्स में फ्रंट में टेलीस्कोपिक, रियर में जो है मोनोशॉक देखने को मिल जाएंगे। सीट जो है गाइस आपको दोनों ही बाइक्स में सिंगल सीट मिलती है, कंफर्ट जो है दोनों में ही अच्छा खासा मिल जाएगा। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, यहाँ पे जो है आपको एक्सट्रीम में 167 mm का मिलता है, एक्सप्लेन में जो है आपको 160 mm का मिलता है। मतलब जो है एक्सट्रीम का थोड़ा सा ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है, उस वजह से जो है आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे ब्रेकर्स वगैरह पे जो है टच होने के चांसेस कम होते हैं। बाकी जो है एक्सप्लेन में भी ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज 160 mm भी काफी होता है। गाइस फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं, दोनों बाइक्स में जो है आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस सेगमेंट में जो है ज्यादातर आपको 12 टू 13 लीटर का ही फ्यूल टैंक मिलता है, इसके बीच में ही आपको देखने को मिलता है। सो 12 लीटर जो है काफी इन बाइक्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे माइलेज भी अच्छी खासी दे देती है आपको। मिनिमम जो है यदि आप सिटी में रफ टफ चलाते हो तो आपको 35 की तो मिलेगी ही, यदि आप हाईवे पे चलाते हो तो गाइस आपको 50 तक भी टच करा देती है बाइक्स, बिकॉज यहाँ पे जो आपको पावर टू वेट रेशियो जो है काफी अच्छा देखने को मिलता है, उस वजह से जो है आपको माइलेज अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। गाइस एग्जॉस्ट की बात करूं, सबसे पहले आप एक्सट्रीम का एग्जॉस्ट सुनिए एक बार। सो गाइस आपने जो है एक्सट्रीम का जो है एग्जॉस्ट साउंड सुना, अभी जो है एक बार आप BS4 एक्सप्लेट का एग्जॉस्ट साउंड सुन लीजिए। सो गाइस आपने दोनों ही बाइक से जो है एग्जॉस्ट नोट सुना, अभी जो है गाइस आप कमेंट में जरूर बताना आपको जो है कौन सी बाइक का एग्जॉस्ट साउंड अच्छा लगा। मैं अपनी बताऊं तो गाइस मेरे को जो है ज्यादा बेटर लगा यहाँ पे एक्सट्रीम का, बाकी गाइस आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। बाकी फाइनली बात कर लेते हैं इस प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग की बात करूँ तो एक्सट्रीम का जो प्राइस जाता है वो जाता है 1 लाख से 1.03 लाख 1 लाख 3000 तक, एक्स शोरूम ऑन रोड जाएगी 1 लाख 20,000 तक। एंड यदि एक्सप्लेट की बात करूँ तो एक्सप्लेट जाती है लगभग 1 लाख 23,000 तक ऑन रोड, मतलब जो है लगभग 2 से 3,000 का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो गाइस फाइनली जो है अभी बात कर लेते हैं वैल्यू फॉर मनी के बारे में। वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो यहां पे जो है यार फिर से मैं बोलूंगा कि हीरो एक्सट्रीम 160R जो है यहां पे वैल्यू फॉर मनी है। यहां पे आपको पावर भी जो है ज्यादा देखने को मिलती है,
यहाँ पे जो है आपको इसके इंडिकेटर्स भी जो है एलईडी में देखने को मिलते हैं, लुक्स भी जो है यार अच्छा खासा है, एक्सब्लेड का भी अच्छा है। सो यहाँ पे लुक्स तो आप पे डिपेंड है यार, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हो। बाकी जो है यार परफॉर्मेंस जो आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी एक्सब्लेड से, वो प्राइसिंग भी जो है एक्सब्लेड से कम है। यहाँ पे जो है सर्विस सेंटर भी आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं हीरो के, होंडा के फिर भी आपको ना देखने को मिले लेकिन हीरो के जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बाकी गाइस मेरी तो रिकमेंडेशन यही थी, एक्सब्लेड भी ले सकते हो यदि आपको एक्सब्लेड का लुक अच्छा लगता है, सो आप वो भी ले सकते हो। माइलेज जो है गाइस आपको दोनों बाइक से सेम सी ही देखने को मिलेगी। सो बाकी आपके गाइस कोई भी डाउट्स हो इंस्टा पे मेरे को डीएम करो, MRDVlogs@smsimri.id, वहां पे जो है गाइस आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।